नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 42 के बारे में। बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार ये टेस्ट रहेगा और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं। आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपके संस्कृत विषय में जो है साथियों, कारक, प्रत्यय, छंद, समास और इनके क्वेश्चन यदि वाच्य परिवर्तन के और गलत हो रहे हैं, तो हमने ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल 5-6 वीडियो बनाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो। आपको ट्रिक के नाम से जो है संस्कृत ट्रिक टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर दे सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न कहीं से भी मॉडल पेपर दें, गलत नहीं होगा। और आज 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, री स्वर से उच्चारण स्थानम भवति। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंता, जीवा, मूर्धा या कंठ? तो साथियों, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसके हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम भवति। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा पितृन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, अस धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। अस धातु का लृट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? चार विकल्प आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का? तो साथियों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भविष्यति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, डॉट 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 सह बालके गच्छति अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति पिता पितरम पित्रा या पित्रे, क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह साथियों? तो मेरे प्यारे साथियों, सह के योग में जो है वह तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति क्या बनेगा? पित्रा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का। अगला देखिए साथियों, 32 को संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे ये पूछा गया है, क्योंकि संख्या ज्ञान का टॉपिक नया जुड़ा है। तो 32 को क्या लिखा जाएगा साथियों? चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? द्वात्रिशत, द्वात्रिशत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 5 का। छठा क्वेश्चन देखिए, प्रातः 5:30 उत्थानम, यानी इस 5:30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, समय ज्ञान का क्वेश्चन है। चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों, 5:30 को क्या लिखेंगे? सार्थ पंच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का। सातवां क्वेश्चन है, राम कृष्णो अस्मिन पदे समास विग्रह अस्ति, राम कृष्णो का समास विग्रह क्या होगा? चार विकल्प आपको दिए गए हैं, तो राइट आंसर अब आपको सेलेक्ट करना है साथियों। राम कृष्णो का समास विग्रह होगा राम चय कृष्ण चय द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास इसमें प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, दरिद्र को दान देता है इतने संस्कृत अनुवाद करनी, दरिद्र को दान देता है इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है। चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। दरिद्र को दान देता है साथियों, दरिद्राय दानम ददाति, क्योंकि दान देने के योग में साथियों, दान के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? दरिद्राय दानम ददाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, उत्थाय इत्यत्र कै प्रत्यय, उत्थाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, उत्थाय शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। तो साथियों, पहले उपसर्ग हो और लास्ट में जो है ये बचा हो तो वहाँ पर प्रत्यय होता है, कौन सा साथियों? लेप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, उत्ताय में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सा उच्चै हसति वाच्य परिवर्तनम करणीयम, सा उच्चै हसति का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? चार विकल्प आपको दिए गए हैं साथियों, राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सा उच्चै हसति का वाच्य परिवर्तन होगा, त
तया उच्चै हस्यते, तया उच्चै हस्यते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आपका इन वाच्य परिवर्तन कारक प्रत्यय छंद और समास का कोई भी प्रश्न गलत हो तो आप ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सही देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा संस्कृत टॉपिक ट्रिक के नाम से, वहाँ से इन 7-6-7 टॉपिकों को आप क्लियर कर सकते हैं। अगला देखिए, दान प्लस कथ इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्ययुक्तम पदम भवति। दान प्लस कथ कौन सा रूप बनेगा साथियों? तो साथियों यहाँ पर रूप बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला दत्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा 11वें प्रश्न में। 12वां देखिए, कात्यायनस्य कानि सन्ति। कात्यायने की जो है कृति का नाम बताइए, या इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वार्तिककार कहा जाता है, वार्तिकानि यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अव्यम नास्ति, अव्यय कौन सा नहीं है? चार विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है ये बताना है साथियों। तो अयम जो है वह इदम का पुल्लिंग रूप है, यह अव्यय नहीं है, ये तीनों रूपों में चलता है। जबकि अव्यय तो सदृशम त्रिलिंगेषु सर्वाचो से विभक्तिषु तद न व्ययति इति अव्ययम, ठीक है ना? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, अव्यय नहीं है अयम। अगला देखिए, बालक वृक्ष से पुष्प चुनता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने दोस्तों, ये कारक प्रकरण से संबंधित है, तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बालक वृक्ष से पुष्प चुनता है साथियों, यहाँ पर जो है वह एक अतितम च सूत्र का प्रयोग होगा। एक अतितम च में 16 धातुएं होती है, 16 ऐसी धातुएं हैं जो इनके साथ मुख्य कर्म और गौण कर्म प्रयुक्त होता है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत, तो बनेगा बालकः वृक्षम पुष्पम अवचिनोति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों 15 नंबर के बाद में। दुर्जन है सजनाय अप करोति, दुर्जन है सजनाय अप करोति उपसर्ग धातुश्च स्ते। उपसर्ग और कौन सी धातु लगी हुई है, कौन सा उपसर्ग है अप करोति में और कौन सी धातु है ये बताना है साथियों। चार विकल्प है, राइट आंसर रहेगा अप उपसर्ग और कृ धातु का प्रयोग हुआ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 16 नंबर से आपके सामने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भाषा कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। भाषण कौशल संपादन का साधन कौन सा है साथियों? चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा अभ्यास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला है, पद्य शिक्षण से कस्मिन विधो प्रश्ना व्याकरण संबंधित भवंती। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, खंडान्वय दंडान्वय भाष्य विधो या तुलना विधो। राइट आंसर रहेगा दंडान्वय विधो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चार विकल्प आपके सामने है साथियों, यहाँ पर 18 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मानव जीवन से सर्वांगीण विकास करना, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, कंठस्था तु या विद्या विद्या कश्याः शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति। कंठस्था तु या विद्या कश्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति। चार विकल्प आपके सामने हैं, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा पाठशाला पद्धति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उद्योगता विधेयी काठिन्य निवारण विधि इति नामना प्रसिद्धा। कौन सी विधि काठिन्य निवारण विधि के नाम से भी जानी जाती है साथियों? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या एतेत्रीय। तो साथियों सारी विधियाँ ही जानी जाती है, एतेत्रीय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना ही है साथियों। अगला देखिए, 21 नंबर, पाठ्य पुस्तक के से प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न कथ्यन्ते। पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ में छात्रों को पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न किस में कहे जाते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है? पठनम लेखनम भाषणम श्रवणम। साथियों राइट आंसर रहेगा लेखन कौशल जो अंतिम कौशल है, LSRW के अनुसार अंतिम
कौशल लेखन कौशल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अगला है व्याकरण से विधिषु एस विधि न परिगण्यते, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पर नहीं है साथियों, ये बताना है। अभिनय, आगमन, निगमन या प्रत्यक्ष, तो साथियों अभिनय विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है अध्यापकेन काव्यम वातावरणम कश्याम पाठ योजनायाम स्प्रष्टनीयम, अध्यापक जो है काव्यम वातावरण किसी पाठ योजना में बनाता है, कौन सी में बनाता है साथियों, राइट आंसर रहेगा पद्य पाठ योजनायाम ऑप्शन नंबर सी। अगला है विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यमो अस्ति, विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है साथियों। 25वें का राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 25 नंबर का राइट आंसर रहेगा भाषा विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सामान्यतः अनुवाद कति भेदा भवन्ति, अनुवाद कितने प्रकार का होता है, चार, तीन, पाँच या सात, तो अनुवाद जो है साथियों वह आपका होता है तीन प्रकार का, एक होता है तथ्य अनुवाद, एक होता है मक्षिकाणा अनुवाद भी कहा जाता है उसे, एक होता है भावा अनुवाद, तो तीन प्रकार का अनुवाद होता है साथियों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर त्रिय तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन क्षेत्रे कार्यम करोति, तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा साथियों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या अंग नास्ति, अंगम नास्ति, इनमें से मौखिक परीक्षा का अंग कौन सा नहीं है साथियों, राइट आंसर रहेगा नील पत्र निर्माण परीक्षा, बाकी सलाहकार शास्त्रार्थ और साक्षात्कार होती है मौखिक परीक्षाएं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है निम्नलिखित सूक्ति को पूरा करना है, नहीं ज्ञानेन डॉट 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 पवित्र मही विद्यते, सार्धम सह सहदृशम या साकम, साथियों राइट आंसर रहेगा सहदृशम ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन देखिए व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधि भवति, व्यवहार कौशल का गुण ग्रहण करने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, प्रत्यक्ष विधि राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे संस्कृत के यानी 15 व्याकरण के और 15 शिक्षण विधियों के कुल 30 क्वेश्चन और 30 में से आपके कितने सही हुए, क्या हमें संस्कृत की टेस्ट सीरीज डेली लानी चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। ये अपना 42वां टेस्ट है और इससे पहले के टेस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।